दौसा के पीजी कॉलेज के पास आज अफरा तफरी मच गई और एकाएक लोग सहम से गए। दरअसल पीजी कॉलेज के पास एक शराबी रोडवेज बस चालक शराब के नशे में शहर में घुस गया और पीजी कॉलेज के पास एक गोलगप्पे के ठेले को टक्कर मार दी, जिससे कि पानीपुरी का ठेला पलट गया और सारा सामान सड़क पर फैल गया। यही नहीं, इस रोडवेज बस की चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई। इसी दौरान वहां पर खड़े लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, जिसके चलते बाजार में हड़कंप मच गया। टक्कर के बाद 20 मीटर दूर जाकर रोडवेज चालक ने बस को रोका। किसने मारी? बस वाले। कितना नुकसान हुआ? नुकसान का सर 20,000 का। बस वाले ने कुछ शराब वराब पी रखी थी क्या? हाँ, दारू पिया। खोल खोल मिट्टी देखी है। मुझे ठेले वाले की टक्कर मारी, मैं यहाँ से बच गया। मेरे यहाँ ठेला आके गिर गया। किसने टक्कर मारी? ये बस वाले ने मारी। कौन सी बस थी? ये रोडवे। उसने क्या शराब वराब किस कुछ पी रखे थे क्या? ये तो मालूम नहीं है। मेरा कितना नुकसान हो गया? नुकसान ही ठेले वाले को है, मेरा तो नहीं हुआ। मैं तो बच गया। ये आपने कैसे जान बचाई? मैंने तो पकड़ लिया जान पड़ते। बस रुकते ही लोगों ने बस को घेर लिया और बस की चाबी ले ली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने रोडवेज बस को जब्त किया। साथ ही नशे की हालत में चालक को कोतवाली ले जाया गया, जहां पर उसका मेडिकल करवाया जाएगा। रोडवेज बस की टक्कर लगने से पानीपुरी का ठेला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ठेला मालिक को भी नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि रोडवेज बस चालक की ये लापरवाही किसी की जान पर नहीं बनाई। पुलिस ने रोडवेज चालक को हिरासत में ले लिया है और अब उसका मेडिकल करवाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि रोडवेज प्रशासन इस नशेड़ी ड्राइवर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है। पंजाब के सिटी राजस्थान के लिए दौसा से एचएन पांडे की रिपोर्ट।